Assalamualaikum dear students, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हमारा फर्स्ट ईयर का लेक्चर 5 है जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं मॉलिक्यूलर आयन। इससे पहले हमने टॉपिक पर में पढ़ा था आयन। आयन क्या होता है, द स्पीशीज हैविंग ए पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। वो स्पीशीज जिस पे पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज हो हमारे पास आयन कहलाती है। आज का जो टॉपिक है वो है मॉलिक्यूलर आयन। मॉलिक्यूलर आयन नाम से ही जाहिर है कि आयन पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज और इसके साथ है मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल having either positive or negative charge is called molecular ion. आयन कोई वाली चीज थी जिसमें पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होता है। मॉलिक्यूलर आयन लिखा है तो मतलब मॉलिक्यूल होगा। मॉलिक्यूल हैविंग इधर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ऑन इट इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर आयन। वो आयन जिस पे सॉरी वो मॉलिक्यूल जिस पे पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज हो उसे हम मॉलिक्यूलर आयन कहते हैं। इसके एग्जांपल देखें तो हमारे पास जितने भी आपके पास मॉलिक्यूल हैं वो लिखिए उसके साथ पॉजिटिव या नेगेटिव का साइन लगा देंगे तो वो हमारे पास मॉलिक्यूलर आयन हो जाएगा। जैसे कि हमारे पास वाटर एक मॉलिक्यूल था उस पे पॉजिटिव चार्ज, इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड और इसके साथ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, इन पे पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज जब होगा तो ये हमारे पास मॉलिक्यूलर आयन। इसके साथ टाइप्स होती हैं, लेकिन टाइप्स पहले फॉर्मेशन बनते कैसे हैं, मॉलिक्यूलर आयन कैसे बनता है। मॉलिक्यूलर आयन हाई एनर्जी पार्टिकल्स जैसे कि हमारे पास बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकती है, एक्सरे पार्टिकल्स होते हैं या अल्फा पार्टिकल्स, इनको गुजारने से मॉलिक्यूलर आयन बनता है। इट इज फॉर्मड बाय पासिंग हाई एनर्जी पार्टिकल्स, अल्फा पार्टिकल्स आर एक्सरे रेडिएशन। इसके साथ एक टाइप्स दो होती हैं हमारे पास, एक है हमारे पास कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन और इसके साथ एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन। कैटायनिक जिन पे पॉजिटिव चार्ज हो, एनायनिक जिन पे नेगेटिव चार्ज हो। द मॉलिक्यूलर आयन हैविंग या व्हिच कैरी पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन, द मॉलिक्यूलर आयन व्हिच कैरी नेगेटिव चार्ज इज कॉल्ड एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन। एग्जांपल्स हैं हमारे पास, और ये जो कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयंस होते हैं ये मोस्ट अबंडेंट होते हैं, दे आर मोस्ट अबंडेंट, ज्यादातर यही पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं, क्योंकि मोस्टली जितने भी हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं, जो भी इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा होता है, रिमूव कर रहा होता है, वो हमारे पास कैटायन बनाते हैं। तो ये बहुत ज्यादा तादाद में पाए जाते हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते हैं और मोस्टली मॉलिक्यूल्स लूज ही करते हैं, तो ये हमारे पास कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन। एग्जांपल्स हो गए, इसके साथ एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन होता है, द मॉलिक्यूलर आयन व्हिच कैरी नेगेटिव चार्ज इज कॉल्ड एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन। एग्जांपल्स हमारे पास हाइड्रोक्साइड है, साथ एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये सारे सारे एनायनिक मॉलिक्यूलर हैं। ये लेस अबंडेंट होते हैं, क्यों लेस अबंडेंट होते हैं, बिकॉज़ दे आर फॉर्मड बाय गेनिंग ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन्स की गेनिंग से बनते हैं, तो इसी वजह से ये लेस अबंडेंट है, जबकि ये इलेक्ट्रॉन्स की लूजिंग या रिमूविंग से बनते हैं तो ये हमारे पास मोस्ट अबंडेंट होते हैं। अब यहां से जो डिफरेंट आता है वो इस तरह से आता है कि फ्री रेडिकल और मॉलिक्यूलर आयन में क्या फर्क है। हमने वही वाली सेम चीजें लिखी हैं, लेकिन फ्री रेडिकल वो होता है जिस पे ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो। द स्पीशी या एटम और ग्रुप ऑफ एटम हैविंग ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड फ्री रेडिकल। जैसे कि हमारे पास अगर क्लोरीन को देखिए, क्लोरीन मॉलिक्यूल को देखिए, तो इसमें क्लोरीन और क्लोरीन ऐसे होते हैं, ये जब टूटते हैं तो इनके दरमियान क्लोराइड फ्री रेडिकल, दो फ्री रेडिकल बना देते हैं। फ्री रेडिकल क्या होते हैं, जिन पे ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। अब ये हमारे पास हो गया SO4 नेगेटिव, ये क्या होता है, ये भी हमारे पास फ्री रेडिकल है जिस पे ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। तो ये डिफरेंस है फ्री रेडिकल और मॉलिक्यूलर आयन। मॉलिक्यूलर आयन होता है मॉलिक्यूल व्हिच कैरी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, जिस पे पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज हो। फ्री रेडिकल वो होता है जिस पे ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जज़ाकअल्लाह।